सेक्स तुम्हें क्षणिक परम आनंद देता है। एक क्षण के लिए तुम एक और दुनिया में पहुंच जाते हो, कालातीत दुनिया में। एक क्षण के लिए तुम एक दूसरे में समा जाते हो, तब कोई अहंकार नहीं रहता। इसलिए महान आनंद उल्लास का आनंद, लेकिन ये केवल एक क्षण के लिए होता है और फिर सब कुछ फिर से बंद हो जाता है। सभी दरवाजे और खिड़कियां जो खुली थी बंद हो जाती हैं। तुमने जो आकाश और तारे देखे थे वे अब वहां नहीं है। तुम फिर से अपने अंधेरी काल कोठरी में वापस आ जाते हो। सेक्स तुम्हें गहरा परम आनंद देता है, लेकिन ये क्षणिक है और फिर गिरावट आती है। ऊंचाइयों से एक बड़ी गिरावट और अंधकार तुम्हें घेर लेता है। पीड़ा उठती है और तुम उदास होने लगते हो। तुम सोचने लगते हो इस सब का क्या अर्थ है। तुम एक नकारात्मक स्थान में गिर जाते हो। तुम सेक्स के खिलाफ सोचने लगते हो, इस सब का क्या अर्थ है। यदि ये केवल क्षणिक है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। और तुमने इससे कितनी उम्मीदें रखी थी, तुमने इसका कितना इंतजार किया था, और तुमने इससे कितनी अपेक्षाएं बांधी थी। और तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं बचता, बस एक याद, एक बीती हुई स्मृति। और अब तुम अंधेरे में हो, पीड़ा में, यातना में। फिर ख्याल आता है कि बेहतर होता यदि तुम इसमें ना पड़ते तो। इन नकारात्मक क्षणों में ब्रह्मचर्य की इच्छा उठती है, लेकिन वह भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली, क्योंकि 24 घंटे बाद तुम नकारात्मक क्षण, उदासी, यातना को भूल जाओगे। वह भी स्मृति का हिस्सा बन जाएगा, वह भी पीछे लौट जाएगा। फिर तुम एक सुंदर स्त्री को देखते हो, उसका सुंदर चेहरा और फिर इच्छा, और तुम फिर से आशा करते हो कि शायद इस बार ये अलग होगा, कौन जानता है। और फिर तुम उत्तेजित होते हो, रोमांचित होते हो। इन क्षणों में तुम प्रेम के बारे में बहुत सकारात्मक हो जाते हो, और ये बार बार होता रहेगा। ये एक दुष्चक्र है, सकारात्मक के बाद नकारात्मक, नकारात्मक के बाद सकारात्मक, दिन रात की तरह। दिन रात का पीछा करता है, रात दिन का पीछा करती है, और तुम इस चक्र में घूमते रहते हो। पूर्व में हमने इसे जीवन का चक्र कहा है, जन्म और मृत्यु का चक्र, विरोधाभासों का चक्र। उतार चढ़ाव होते रहते हैं और तुम चलते रहते हो। जब तुम ऊपर होते हो तो तुम दुनिया के शिखर पर अपने को महसूस करते हो और सोचते हो कि ये सब बकवास है, ब्रह्मचार्य और सब कुछ ये सब मूर्खता है। लेकिन जब तुम नकारात्मक क्षण में आते हो, तुम सोचते हो कि सारी सकारात्मकता बस एक आसक्ति थी, और तुमने कई बार किया है, और तुम अपने पूरे जीवन में यही करते रहोगे अगर तुम इस दुष्चक्र को समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए नकारात्मकता में कोई निर्णय ना लो। यदि तुम अपनी नकारात्मकता में निर्णय लेते हो तो तुम्हारा जीवन नकारात्मक हो जाएगा। यही बीते धर्मों के साथ हुआ, वे जीवन नकारात्मक बन गए। उन्होंने नकारात्मक क्षण में निर्णय लिया। फिर तुम्हें आश्रमों में भागना पड़ता है, फिर तुम्हें पहाड़ों पर जाना पड़ता है, गुफाओं में, और वहां पर भी सेक्स तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सेक्स कुछ भारी चीज नहीं है। ये तुम्हारे भीतर है, ये तुम्हारी जैविकी है, ये तुम्हारा मनोविज्ञान है, ये तुम्हारी शारीरिक प्रक्रिया है। वह हार्मोन तुम्हारे भीतर है, ये तुम्हारे खून में है, तुम्हारी हड्डियों में है, ये तुम्हारे मज्जा में है। ये केवल तुम्हारा सेक्स केंद्र में ही नहीं है। और कुछ मूर्ख लोग हैं जिन्होंने अपने सेक्स अंगों को काट दिया है ताकि वह पूर्णता ब्रह्मचारी बन सके। सेक्स का सेक्स अंग से कोई संबंध नहीं। तुम सेक्स अंग को काट सकते हो, सेक्स बना रहेगा, क्योंकि सेक्स केंद्र तुम्हारे दिमाग में मौजूद है। सेक्स अंग बस उस दिमाग के केंद्र का विस्तार है। अब उन्होंने दिमाग में केंद्र पाया है। अब तुम्हारे सर में एक छोटी खिड़की बनाई जा सकती है और इलेक्ट्रोड्स को तुम्हारे दिमाग के सेक्स केंद्र पर ठीक से लगाया जा सकता है, और इससे तुम्हें सीधा उत्तेजना दी जा सकती है बिना किसी सेक्स अंग को छुए। यही होता है जब तुम एक महिला के प्रेम में होते हो। ये बस वीर्य की रिलीज होती है जो बटन को उत्तेजित करती है। सेक्स तुम्हारे साथ तुम्हारे आश्रम में जाएगा, तुम्हारी गुफा में जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में है। इससे ब्रह्मचर्य तो नहीं होगा, केवल विकृति होगी। ब्रह्मचर्य अपने आप आना चाहिए, इसे अभ्यास से नहीं लाया जा सकता। ये अपने आप आता है, लेकिन तब ये नकारात्मक क्षण में लिया गया निर्णय नहीं होता। तब ये जीवन नकारात्मक नहीं होता, तब ये एक अंतरतम घटना होती है। तुमने बार बार सकारात्मक और नकारात्मक को देखा है और तुमने समझ लिया है कि प्रकृति तुम पर क्या चाल चल रही है। तुम प्रकृति के शिकार हो। प्रकृति अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए उसने तुम्हारे भीतर एक रणनीति डाली है जिसे सेक्स कहा जाता है। एक बार जब ये तुम्हारे अपने अनुभव से समझ में आता है तो सेक्स धीरे धीरे गायब होने लगता है और एक ब्रह्मचर्य उत्पन्न होता है, लेकिन लागू नहीं किया गया, अभ्यास नहीं किया गया। सेक्स की ऊर्जा और उत्पत्ति को समझ लेना तुम्हें मुक्त करता है, तुम्हें समाधि की ओर ले जाता है। प्रणाम।